पीछे है, ये लड़का है लड़की है। परसों से भाई हमारा राम मंदिर जो है वो पूरा बन जाएगा। ये देखो पूरे में जहाँ देखोगे ना राम जी की फ्लैग ही फ्लैग। ट्रैफिक के लिए कोई पार्सल मंगाया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ये आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए बढ़िया से व्लॉग में। अभी गाइस टाइम हो गया, अभी बज गए हैं दोपहर के 2 PM और अभी मैं हुआ था अपनी छत पे, दैविक और मैं खेल रहे थे यहाँ पे बढ़िया बैट बॉल। और अभी बहुत देर हो गई हमें खेलते खेलते, और ये जो बॉल है ना भाई हमारी कामयाब है एकदम। तो अगर आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हो ना तो एक बार मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं वाली बॉल, क्रिकेट वाली जिससे हम खेलते छत पे। नॉर्मल सी बॉल लेना और ऐसे कोई रस्सी लेना, ये वो वाली रस्सी है जो बैट के पीछे ग्रिप पे नहीं लगाते वाली रस्सी है। ये मैंने ली थी 10 मीटर के करीब ली थी, और उसको पहले बॉल पीछे से बांध देना, उसके बाद ऊपर से पूरी टेप लगा देना, जितनी मर्जी उतनी पूरी भर के टेप लगा देना, जिससे ये जो नीचे का धागा है ना ये उतरे ना। तो लगाना और कहीं पर भी अपनी छत पे बांध देना और बस। तो गाइस खेलते हैं बैट बॉल। बैट बॉल खेलते हैं। हां चलो, दो अबे क्या कर रहा है, गिर जाएगा। चलो दो ऐसा शॉट मारा गाइस, रस्सी टूट गई। ये सही है, तेज नहीं मारा वरना नीचे जाती, तो बांध दूंगा। ज्यादा तेज शॉट मार दी मैंने, पटपट ज्यादा देर खेल लिया ना। गाइस टाइम हो गया, अभी बज गए शाम के 6 और बैट बॉल खेल गया है, उसका खाना पीना खाया और लेट गए थे थोड़ी देर। अभी उठाऊं और अभी पापा का फोन आया कि मयंक नीचे जा, एक पार्सल वाले भैया आए हैं। पापा ने ना गाइस दैविक के लिए कोई पार्सल मंगाया है, ये देखो पूरा पार्सल मंगाया है। पता नहीं पापा ने बताया नहीं इसमें क्या है, तो उसको ओपन करके देखेंगे इसमें क्या है। हमें भी नहीं, कोई बुक सी लग रही है कोई। लो वो खोलो, यहाँ से इसको मत फाड़ना है, ये जो है यहाँ से खोलो। और ये तो कोई बुक सी है, ड्राइंग सी। ये क्या है? अभी हमने कहा इसको ओपन किया तो इसके अंदर हमें एक पेन मिला है, तो नीचे पेन होल्डर मिला है पीछे, और बहुत सारी इसकी रिफिल मिली है पेन की। और ये बुक है, बुक दिखाना था अभी। ऐसी कुछ बुक है, ऐसी बुक है, कलर वाला भरने का होगा कुछ, पेन क्या है समझ गया गाइस मैं इस बुक में क्या है। ये देखो इसकी जो ये सर्कल है ना, जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं उनमें ना गड्ढे से नहीं होते, तो दैविक को लिखने में मुश्किल आएगी। जैसे इसको लिखना होगा, जैसे 1 लिखना है 2 लिखना है, तो ये लिख नहीं पाएगा, इसको मुश्किल लगेगा लिखना। पर ये ना इनके अंदर गैप है, जो 0 है ना इनके बीच में पूरा गैप है, मतलब होल बना रखा है इस टाइप से, तो इसके अंदर दैविक ऐसे लिखेगा तो ईजिली ये लिख पाएगा। और अगर ऐसे लिख लिया दैविक ने, उसको मिटाना है तो गड्ढे वाला बूट ये भाई दैविक पढ़ाई करो इसमें ढंग से, ठीक है, इसमें मैच करना है। ये वो सब तो ठीक है, डैडी कर रहा है पढ़ाई, मम्मी और दीदी यहाँ पे भूतों वाली वो देख रहे हैं, कुछ सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ ना वो देख रहे हैं। अभी भाई एक भूत ने जंप स्केयर दिया तगड़ा वाला, पीछे कर गाइस को भी दिखाना है। ठीक है अभी तो इंसान सा लग रहा है, फेक है भाई ये। एक सेकंड, ये फेक नहीं है, अभी देखते हैं क्या। दीदी कह रही है कि ये फेक नहीं है, एक और चीज दिखा रही है, क्या है भैया जी? वो बांध रखा हुआ है, फिशिंग वायर बांध रखा हुआ कपड़े में, मैं कह रहा हूँ भाई अनकट वीडियो डाल रखी है, पूरी अनकट वीडियो है। ले बता कौन है नीचे, मैं कह रहा हूँ ले, मैं बता दो क्या है इसके पीछे। बंदा उसको सोने नीचे लिटा रखा है और उसके कपड़े उसमें फिशिंग वायर बांध रखी है, फिशिंग वायर दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल होती है। तो फिर सोने नीचे उसने खींच लिया और कैमरा ये आगे लगा रखा है, और ये नीचे से निकला, वो उसमें क्यों पीस बांध गया होगा, तो बाहर पीस कोई गेट होगा, खिड़की से आते हुए करना, फिर उसका साथ दिखेगा भाई, इंसान है वो। चुप हो जा सातवीं, फेल फेक है भाई ये, फेक है, फेक नहीं है। रात बज गई शाम के, सुबह से कुछ भी लो नहीं बन पाया, सुबह से उस घर में ही हूँ। दैविक के लिए पापा ने गिफ्ट वगैरह मंगाया, वो सभी खोला, उसे सिखाया वगैरह कि दैविक कैसे कुछ चलता है ये, और अब जा रहा थोड़ा नीचे। और परसों से भाई हमारा राम मंदिर जो है वो पूरा बन जाएगा 22 जनवरी को। मैंने तो अपनी साइकिल पे यार राम जी का फ्लैग भी लगा लिया है, और एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ आपको, देखो भाई देखो पूरे में जहाँ देखोगे ना राम जी के फ्लैग ही फ्लैग, फ्लैग ही फ्लैग, भाई कितना मस्त लग रहा है। नीचे आया, नीचे आते ही पापा भी आ गए, तो गेट खोल दिया, पापा कर रहे अभी गाड़ी अंदर। अंकल पीछे कर लो, पीछे
अंदर करनी है। 2 मिनट में पूरा भवन हो जाता है, गाड़ी 2 मिनट खड़ी कर दी तो। और ये फिर मैं मम्मी की जगह पहन के आ गया नीचे, मैं नहीं सुधरूंगा भाई। और आज देविक के लिए एक और पार्सल आया था, देविक की नई स्लीपर। देखो, हेलो, गुड नाइट। तो अभी गाइस हमारी पूरी फैमिली बैठ के देख रही थी अनमोल भैया का व्लॉग। भैया अभी घूम रहे हैं चाइना में, आपको तो पता ही होगा। और हमें गाइस इस व्लॉग में एक डाउट है, जो पीछे है ये लड़का है लड़की है? नीचे स्कर्ट जैकेट स्कर्ट होता है वो, जब यह मुंह। एक डाउट है गाइस, आप बताओ कमेंट में लड़का है लड़की है, बताओ गाइस। तो अभी है गाइस अगला दिन, कल मैं खाना खाया, एडिटिंग करी और सीधा सो गया, और नींद आ रही थी ना बहुत तेज, रात को लेट तक एडिटिंग करी थी। और अगला दिन है अभी, और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। और अभी गाइस मैं बताऊँ कहाँ पे जा रहा हूँ, गाइस मैं और दीदी हम दोनों जा रहे हैं कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि गाइस आज हमारा प्लान बन रहा है, आज हम जा रहे हैं गाइस कहीं पे घूमने के लिए, वो आपको हम अगले व्लॉग में बताएंगे। अभी इस व्लॉग में शॉपिंग करके आते हैं, अगले व्लॉग में आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, 3-4 दिन का हमारी ट्रिप होने वाली है, तो निकल रहे हैं घर से। अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 AM, और हम 2 PM के करीब निकल जाएंगे हमारे घर से, जहाँ पे हमें जाना है घूमने के लिए। आज था संडे, तो आज मैं घर पे हूँ, तो चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी, तो लेट्स गो। वेरी गुड मॉर्निंग। इस दीदी का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा, मैं तो पीछे बैठा हूँ, इतनी ठंडी हवा आ रही है फिर भी मुंह पे, ये तो स्कूटी चला रहे हैं, इसका क्या हाल हो रहा होगा, इतनी ठंड है भाई, सोच हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ कितनी ठंड होगी। मैं बहुत नाटक है भैया, 50 पैंटें खुल चुकी है, एक भी पसंद नहीं आई है। बाहर आ गए, सामान सारा ले लिया है हमने, बहुत सारा सामान ले लिया है। अब और क्या लेना है, और क्या लेना है, अब लेने मेरे कपड़े है ना, अभी तक तू नहीं लिया है अपने लिए। दो पन्निया भाई गाइस, दीदी ने गाइस उस शॉप से लिए, वहाँ पे मैं नहीं लेता वहाँ पे, क्योंकि ना नैरो पैंट मिलती है वहाँ पे, मेरे को चाहिए होती है ऐसी लूज लूज, तो वो यहाँ पे मिलती है, सारी स्ट्रेट पैंट यहाँ मिलती है, मैं अपने लिए यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ। गाइस हम जा रहे हैं अपने घर, ट्रक के बीच में घुसेड़ दिया, घर पे पहुँच गए, स्कूटी यहाँ पे लगा दिया पार्किंग में, कितना सारा सामान लिया था ना गाइस भर के, तो हमारी डिग्गी की खास बात है, पूरा सामान डिग्गी में आ जाता है।